जो राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं हो रही है और आरपीएससी के अंदर जब ईडी पहुंचती है और एसओजी जब जांच करती है तो देवाराम सैनी का नाम आता है जो तो मुख्यमंत्री का ओएसडी है। अशोक गहलोत बद्री माफिया की गोद के अंदर बैठे, पहले वसुंधरा गोद के अंदर बैठी थी बद्री माफिया, वसुंधरा की सरकार चलाई, गहलोत की सरकार चलाई, मुझे यहाँ का तो पता नहीं क्या स्थिति बजरी की, लेकिन महंगी बजरी आती होगी, यहाँ भी हेलीकॉप्टर में कैसे उड़ रहे हैं, तो तुम्हारा क्या रहा, जांच कराओ ना मेरी, कौन मना कर रहा है, मोदी जी भेजो ईडी मेरे घर पे कल, अमित शाह जी भेजो ईडी, मेरी गाड़ियां तो आप लोग ही लेके आते हो, रैलियां आप ही कराते हो, और तभी तो लड़ते 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 इतना मजबूत हो गया। और आपने भी एक बात हमेशा कही, हनुमान जी थकना मत, रुकना मत, लड़ना है, हम सत्ता के करीब हैं। क्या आज राजस्थान के अंदर माफिया के खिलाफ खुल के कोई लड़ाई लड़ रहा है? नागौर का सांसद, बाकी तो माफिया की गोद के अंदर बैठ गए, अशोक गहलोत बद्री माफिया की गोद के अंदर बैठे, पहले वसुंधरा गोद के अंदर बैठी थी बद्री माफिया, वसुंधरा की सरकार चलाई, गहलोत की सरकार चलाई, मुझे यहाँ का तो पता नहीं क्या स्थिति बजरी की, लेकिन महंगी बजरी आती होगी यहाँ भी, 700 रुपए टन, 800 रुपए टन बजरी, जो 50 रुपए टन बजरी मिलती थी। मैं राजस्थान की सरकार से मांग करता हूं कि गहलोत जी आप रात कैंप चला रहे राजस्थान के अंदर, अगर आप असली राहत देना चाहते हैं तो बजरी का ठेका निरस्त करो और किसानों के जिसके खेत के अंदर रेती बजरी लाइम स्टोन और चाइना क्ले निकल रहा है, जिप्सम निकल रहा है, उनको तुरंत छोटे पट्टे जारी करो किसानों को, अगर आप असली रूप से किसानों की परवाह कर रहे हो और उनको राहत देना चाहते हो। ये प्रधानमंत्री दोषी है इस मामले के अंदर, आज वो चाहे तो डीजल पेट्रोल की कीमतें सीधी आधी हो सकती है, अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जब एनडीए ने सत्ता संभाली थी उसके बाद घटा है, लेकिन पेट्रोल डीजल बढ़ा है, उसका भार आपकी जेब पे पड़ा। मैं तो धन्यवाद दूंगा राजस्थान के जवानों को कि किस तरह गाड़ियां लेके मेरे साथ चलते हो। कांग्रेस बीजेपी के लोग चिंतित है, हनुमान जी रैलियां कहां से कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में कैसे उड़ रहे हैं, तो तुम्हारा क्या रहा, जांच कराओ ना मेरी, कौन मना कर रहा है, मोदी जी भेजो ईडी मेरे घर पे कल, अमित शाह जी भेजो ईडी, मेरी गाड़ियां तो आप लोग ही लेके आते हो, रैलियां आप ही कराते हो, और तभी तो लड़ते 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 इतना मजबूत हो गया। और आपने भी एक बात हमेशा कही, हनुमान जी थकना मत, रुकना मत, लड़ना है, हम सत्ता के करीब हैं। सेमीफाइनल हमने जरूर लड़े राजस्थान के अंदर, लेकिन फाइनल मुकाबले तक कोई के अंदर जिस तरह डीजल पेट्रोल सस्ता है, मोदी जी आप दरें कम करें, लेकिन अशोक गहलोत जी आप भी कम से कम चाहें तो टैक्स कम कर सकते हैं, 8 से 10 रुपए की राहत इस राजस्थान की जनता को पेट्रोल डीजल के माध्यम से दे सकते हैं। टोल मुक्त देश और प्रदेश की बात किसी ने करी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जन्म जब हुआ था तब किसान की कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकायोग, बेरोजगारों को रोजगार, बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की बात करी। मैं गहलोत सरकार से मांग करता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने हमारे दबाव के अंदर स्टेट हाईवे टोल फ्री किए थे, गहलोत जी अगर आप राहत देना चाहते हो तो तुरंत स्टेट हाईवे राजस्थान के अंदर टोल मुक्त करो, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपसे मांग करती है, तब मानेंगे कि आप राहत दे रहे हो। क्या राहत दे रहे हो, लूट रहा बजरी माफिया, आपके मंत्री एक से एक बढ़ के भ्रष्टाचारी है, आधे से ज्यादा मंत्रियों पर आरोप लगते हैं, किसी पर हत्या का लगता है, तो किसी का बेटा धर्म बदल के दूसरी शादी कर लेता है, तो तीसरा दूसरा काम करता है, हत्या लूट बलात्कार इन मामलों के अंदर आपके मंत्रियों के नाम आ रहे हैं। और तो और जो राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं हो रही है और आरपीएससी के अंदर जब ईडी पहुंचती है और एसओजी जब जांच करती है तो देवाराम सैनी का नाम आता है जो मुख्यमंत्री का ओएसडी है, इससे बुरी बात नहीं हो सकती।